सच सच बताओ मुझे सानिया, मम्मी ने कुछ कहा है ना तुमसे? अगर मैं माँ ना बन सकी तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? ये किसने कहा तुमसे? किसी ने कहा नहीं है, बस ये जहन में बात आई तो मैं सोचा आपसे पूछ लूं। आप मुझे बताएं, आपको औलाद ना दे सकी तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? जवाब दे मुझे इस बात का। बिल्कुल नहीं। अच्छा अब नाश्ता लगा दो जल्दी, मुझे बहुत भूख लग रही है। अब चलिए मैं लेके आती हूँ। नाराज हैं क्या? क्यों नाराज हैं मुझसे? मेरी क्या मचाल है कि मैं किसी से नाराज हूं? इस घर में तो हर कोई अपनी अपनी मर्जी का मालिक है, हर कोई अपना फैसला माँ को सुना के चला जाता है। इस माँ ना हुई कोई सोफा या अलमारी हुई, कोई अहमियत ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है मेरी, ना कोई मुझे किसी मशवरा करने के काबिल समझता है। तो आपको लुबना ने बता दिया कि उसने अलग घर का मुतालबा किया है? क्या क्या कहा तुमने? तुम दोनों बहनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया तबस्सुम? जब मैंने मना किया था लुबना को कि उसने फरकान से कोई उल्टी सीधी बात नहीं करनी, क्यों किया उसने ऐसे? अम्मी मेरे तो मुंह से निकल गया, मुझे नहीं पता था कि लुबना ने आपको नहीं बताया। अम्मी आप मत बताइएगा लुबना को कि मैंने आपको बता दिया है। इस घर में हम तीन के अलावा कौन रहता है तबस्सुम? कुछ अलावा आके तो नहीं बताएगा ना कोई बात मुझे? आप नहीं जानती अम्मी, वो बहुत नाराज हो जाएगी मुझसे। या अल्लाह, अम्मी ये करें, अम्मी ये ना करें, अम्मी ये बताएं, अम्मी वो ना बताएं।